नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉप फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, अर्णब गोस्वामी के पकड़े जाने को लेकर कंगना रानौत ने उद्धव सरकार की बखिया उधेड़ दी है और सबूत दिखाकर जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं उन्हें देखकर पूरा देश सन्न रह गया है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या आप अर्णब गोस्वामी के साथ हैं? सीधा सा सवाल है, यस और नो में अपना उत्तर जरूर लिखें, हाँ या ना में, क्योंकि अर्णब गोस्वामी के आप एंकरिंग के नजरिए से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में, जहां पर अभी इमरजेंसी लागू नहीं है, वहां पर एक पत्रकार को इस तरीके से हिरासत में लिया जाता है, इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, न जाने वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। और मामला है 2018 का। अर्णब गोस्वामी पर आरोप है कि एक इंटीरियर डिजाइनर को उन्होंने सुसाइड के लिए उकसाया और इसी केस को दोबारा खोलकर यह केस बंद कर दिया गया था मुंबई पुलिस द्वारा। लेकिन सरकारें बदलती हैं और केस क्यों खोले जाते हैं यह पूरा देश समझता है, यह आप भी समझते हैं। यह केस दोबारा खोला गया और इसी केस में, 2 साल पुराने इस मामले में, अर्णब गोस्वामी को रात 1 बजे पकड़ा गया। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं या अर्णब गोस्वामी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसको देखकर यह साफ कहा जा सकता है, उन बयानों को सुनकर, कि अर्णब गोस्वामी को पकड़ा गया, अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अर्णब गोस्वामी को जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने यह सारी कार्रवाई की, रात को 1 बजे दरवाजा खटखटाया जाता है, उनकी वाइफ आती है, अर्णब गोस्वामी का कहना है कि मेरे बेटे के साथ मारपीट की गई, मेरे बाल खींचे गए, फिजिकली असॉल्ट किया गया मेरे को, तो यह सारी चीजें क्या दर्शाती हैं? अब इस मामले में कंगना रानौत ने क्या कहा है वो आपको बताता हूं। कंगना ने अर्णब के डिटेंशन का वीडियो सार्वजनिक होने के कुछ देर बाद ही पहले ट्वीट किया और फिर एक वीडियो के जरिए महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कंगना इस वीडियो में कहती हैं कि मैं महाराष्ट्र सरकार से यह कहना चाहती हूं कि आज मुंबई पुलिस ने अर्णब गोस्वामी को उनके घर में जाकर मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उन पर हमला किया है। कितने घर तोड़ेंगे आप, कितने गले दबाएंगे आप, कितने मुंह बंद करेंगे आप, ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे। कितने शहीदों को फ्री स्पीच के लिए गले काटे गए, एक आवाज बंद करेंगे कई उड़ जाएंगी, कितनी आवाजें बंद करेंगे आप। यह कंगना रानौत ने सीधे सीधे कहा है। आपको बता दूं कि इससे पहले कंगना रानौत के दफ्तर को तोड़ा गया था, बीएमसी ने इलीगल बताकर उनके दफ्तर को तोड़ा, मामला सुप्रीम कोर्ट में जारी है। और अब अर्णब गोस्वामी, हालांकि रिपब्लिक टीवी से लगातार मुंबई पुलिस की जो अनबन है वो लगातार चल रही थी, माजरा यह था, माजरा शुरू कहां से हुआ कि आप सोनिया गांधी का नाम ले लेते हैं, वो नाम जो उनके बचपन का नाम है, जो उनके शादी से पहले का नाम था, एंटोनियो माइनो, और इसके बाद अर्णब गोस्वामी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, 12 घंटे तक पूछताछ की जाती है। इसके बाद एक टीआरपी स्कैम मामले में मुंबई के पुलिस कमिश्नर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रिपब्लिक टीवी का नाम लेते हैं, जबकि बार की एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम था। इसके बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटोरियल स्टाफ पर, 1000 स्टाफ पर एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है। यह आजादी के बाद, इमरजेंसी के बाद, मैं कहूं तो इमरजेंसी के बाद यह पहली दफा हुआ होगा इस देश में कि इतने बड़े लेवल पर 1000 एफआईआर कर दी गई। यह सलाह कौन दे रहा है उद्धव ठाकरे को, यह ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह समझ से परे है। हालांकि अब इस मामले में कंगना रानौत सीधे सीधे कहती हैं कि कितनों के मुंह बंद करोगे और कितनों के मुंह तोड़ोगे, कितनों के बाल नोचोगे। कंगना ने इससे पहले रिपब्लिक टीवी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि पप्पू प्रो का गुस्सा क्यों आता है, पप्पू प्रो को गुस्सा क्यों आता है, पेंगुइन को गुस्सा क्यों आता है, सोनिया सेना को गुस्सा क्यों आता है। अर्णब सर, फ्री स्पीच के लिए उन्हें आपके बाल खींचने दीजिए, हमला करने दीजिए। कितने महान लोग हमसे पहले चेहरे पर मुस्कान लिए फांसी पर लटक गए, आजादी का कर्ज चुकाना है। आपको बता दूं कि कंगना रानौत तो सोशल मीडिया पर काफी मुखर रहती हैं और अक्सर मुद्दों पर बोलती रहती हैं। कंगना ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पहली बार तब बोला था जब बीएमसी ने उनके ऑफिस में अवैध निर्माण के आरोप को लेकर शिकायत की थी, और इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत के साथ भी कंगना की जुबानी जंग काफी चर्चित रही थी, और जिसमें संजय राउत ने कंगना रानौत को हरामखोर तक बता दिया था। बाद में उन्होंने कहा था कि हरामखोर का मतलब तो नॉटी होता है। अब अर्णब गोस्वामी का मामला, जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने 2018 के एक मामले में पकड़ा, या मैं कहूं जिस तरीके से मुंबई पुलिस कह रही है कि हमने गिरफ्तार किया है, हमें सबूत मिले हैं, बिल्कुल मिले होंगे, सबूत मिले होंगे
ठीक है आपने गिरफ्तारी की, लेकिन जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी और उनकी पत्नी बयान दे रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ मारपीट की गई, अर्णब गोस्वामी के साथ मारपीट की गई, अर्णब गोस्वामी ये कह रहे थे कि मुझे आधा घंटे के लिए आप रुक जाइए, मेरे को अपनी दवा लेनी है, मेरे को अपने घर वालों से बात करनी है, उसके बाद आप मेरे को लेकर चलिएगा, लेकिन वो भी उनकी नहीं सुनी गई, तो क्या इसे लीगल तरीके से गिरफ्तारी कह सकते हैं? क्या यही एक राज्य की पुलिस करना करती है, जिस राज्य के लिए यह कहा जाता है कि मुंबई पुलिस बहुत महान है, मुंबई पुलिस ने डी वर्ल्ड को खत्म किया है, अंडरवर्ल्ड को खत्म किया है, और उस राज्य की पुलिस एक पत्रकार के साथ, एक बहुत बड़े एम्पायर के पत्रकार के साथ इस तरीके से व्यवहार करती है? हालांकि आपको बता दूं कि हाल ही में कुछ चीजें और चर्चा में आई थी, एक यूट्यूबर को फरीदाबाद से पकड़ा गया, एक ट्विटर हैंडलर को समित ठाकरे उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों को करके क्या अपनी ही भक्त नहीं पिटवा रही है ये सरकार? इस मामले पर फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने अर्णब की गिरफ्तारी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कथित अरवन नक्सलों पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि ये वीडियो कथित लिबरल्स और सेक्युलर्स के दोगलापन पर करारा तमाचा है। इस तरह अर्णब नक्सल धीरे धीरे वो सब छीन लेंगे जो आपका है। हालांकि आपको बता दूं कि इस गिरफ्तारी पर, अर्णब की इस गिरफ्तारी पर देश के जो सेक्युलर हैं, देश का जो लिबरांडो गैंग है, जो छाती पीटते हैं, प्रशांत कनौजिया यूपी में पकड़ा गया था तो इस देश में विधवा विलाप शुरू हो गया था, लेकिन अब उन सब ने चुप्पी साध रखी है। इस देश के एक महान पत्रकार जो कि टीवी काली कर देते हैं, स्क्रीन काली कर देते हैं, उनके भाई पर बलात्कार का आरोप लग जाता है लेकिन फिर भी उसको टिकट मिल जाती है यौन शोषण के आरोपों के बाद भी, और अब वो अपने मुंह में दही जमा लेते हैं, फिर भी ये लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया तुम हो। और अब अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी, इस पूरे मामले पर गीतकार नीलेश मिश्रा ने अर्णब की इस तरह गिरफ्तारी की निंदा करते हुए लिखा कि मैं अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी और तरीके की भत्सना करता हूं, मैं इससे यद्यपि लगाकर ठीक नहीं करना चाहूंगा, ये दाएं बाएं करने की बात होगी, इस पर समान रूप से आवाज उठनी चाहिए। नीलेश के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अनुभव ने लिखा, मेरी समझ में नहीं आया क्यों, क्या तरीका है, आप एसओपी पर सवाल उठा रहे हैं या उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, या आरोप गलत या नाकाफी है। तो ये सारी चीजें अब सवाल उठ रहा है उद्धव सरकार पर, क्योंकि जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी को उठाया गया, जिस तरीके से उनके साथ, जिस तरीके से ये कहा गया कि उनके साथ मारपीट की गई, कंगना रनौत ने सीधे सीधे महाराष्ट्र की सरकार को सोनिया सेना करार दिया और उन्होंने कहा कि उनसे पहले तो कितने ही बलिदानियों के गले काटे गए, उन्हें लटका दिया गया सिर्फ फ्री स्पीच के लिए, लेकिन कंगना रनौत ने कहा कि एक आवाज बंद करोगे तो कई आवाजें उठेंगी। साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कपिल मिश्रा ने भी आरोप लगाया है कि अर्णब गोस्वामी के साथ साथ मीडिया और मीडिया की आजादी को कुचलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ किसी को भी चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे मीडिया का गला दबाने की कोशिश बताते हुए कहा कि हथियारबंद पुलिस एक पत्रकार के घर में घुसकर उनके घर को गाड़ियों से घेर कर दिखाना क्या चाहती है। कपिल मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र इस प्रकार से नहीं चल सकता, यह महाराष्ट्र सरकार को समझ आ जाना चाहिए। उधर अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भी नींद से जाग गई है और उसने महाराष्ट्र सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए मुंबई के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपील की है कि अर्णब गोस्वामी के साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाए। ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया क्या कहा है, न्यायोचित व्यवहार किया जाना चाहिए और सरकार के आलोचकों के खिलाफ सत्ता की शक्ति का इस्तेमाल न किया जाए। कंगना और कपिल मिश्रा दोनों ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया है और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अर्णब की गिरफ्तारी को किसी भी मायने में सही कहा जा सकता है? कमेंट में आप अपनी राय मुझे दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।